रॉयल्टी ओपन करेंगे सबसे पहले। मेन टोपोलॉजी जी पॉन पे जाएंगे। जी पॉन मैनेजमेंट ये हमारी सारी पॉन्स आ रही हैं जो एसएफपी होती है मेन, जहाँ पे हम कॉन्फ़िगर करेंगे उसको राइट क्लिक करके कन्फर्म करेंगे। नेम में आप नेम दे सकते हैं, अगर ना भी देना चाहे कोई इशू नहीं है। अलाइज में हम जाके उसको दे देंगे ना, डिस्क्रिप्शन दे देंगे। हमारे केस में है 2001। लाइन प्रोफाइल सेलेक्ट करेंगे, चाहे आप FTTH कर रहे हैं, चाहे एरिया में लगा रहे हैं, या कोई भी सर्विस देनी है, आपने लाइन प्रोफाइल हमेशा यही रखनी है। सर्विस प्रोफाइल आपका डिपेंड करता है, अगर FTTH है तो डिफ़ॉल्ट रखें, और अगर एरिया में आपने कोई ओपन करनी है तो उसमें आपने फिर सर्विस प्रोफाइल भी एज इट इज़ 10, 20, 30 और 40 करनी है। लोकेट कर देंगे, क्लिक कर देंगे अपने इस पे, तो ये सीधा आपको अपना आपके ONU पे ले जाएगा, या जो भी आप कंफर्म करेंगे ONT उसके एड्रेस पे सीधा ले जाएगा। सीरियल नंबर आपने कंफर्म रखना है कि आए जिसको आप ऐड कर रहे हैं वही सीरियल नंबर आपका है। ओके करेंगे, तो ये हमें सीधा ONU लिस्ट पे ले आया। अब यहाँ पे ये हमारा ONU कंफर्म होगा, थोड़ी देर वेट करेंगे फाइंड करने या रिफ्रेश करने के बाद हमारे पास वो लिंक अप हो जाएगा। अब सर्विस पोर्ट इन्फो पे जाएंगे, यहाँ पे हम सर्विसेज ऐड करेंगे, क्योंकि ये हमारा 4 पोर्ट है, ईथरनेट 4 है इसकी, तो उस हिसाब से अब सर्विसेज भी हमें आप एक पे भी कंफर्म कर सकते हैं, उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं एक ही पे, लेकिन हम सिक्योरिटी रीज़न की वजह से कि लूप वगैरह ना बने या फिज़िकली वगैरह मसला ना आए, तो उसके लिए हम सर्विसेज इस पर मल्टीपल ऐड कर देंगे। नेटवर्क वी लैन हमारी एक ही रहेगी, जबकि क्लाइंट साइड पर जो हमारी होगी यूज़र साइड होगी उस पर हम 4 VLANs दे देंगे 4 पोर्ट्स के हिसाब से। पहले हम 10 देंगे बाय डिफ़ॉल्ट, मल्टी सर्विसेज VLAN, ओके करेंगे। अब यहाँ पे हम मज़ीद VLANs ऐड करेंगे, उससे पहले हम चेक कर लेते हैं एंड टू एंड सर्विस चेक कर लेते हैं। तो ये हमारी VLAN आई 2001, और आगे हमारी 10 पास हो गई। अब इसी तरह हम 20, 30, 40 कन्फिगर कर लेंगे, सेम प्रोसीजर है, बस जो थोड़ा सा फ़र्क होगा कि यहाँ पे आपने जेम पोर्ट सेलेक्ट करनी है, उसलिए उसके अकॉर्डिंग ये मैंने पहले ही बनाई हुई थी। ये हमारी नेटवर्क साइड VLAN सेम रही, और आगे हम VLAN चेंज कर देते हैं क्लाइंट साइड पे। इसी तरह आप 30 ऐड करेंगे, उससे पहले हमने E2E सर्विस चेक कर ली। और यहाँ पे हम जेम पोर्ट सेलेक्ट करेंगे, जेम पोर्ट लाजमी सेलेक्ट करनी है, पहले अनचेक थी दूसरी को चेक कर देना है,
जिस पे आपने वी लाइन ऐड करना है। ओके किया, फिर राइट क्लिक ऐड किया, यहाँ पे हमारे 2001 नेट को साइड, यहाँ पे मल्टी सर्विस जेम पोर्ट हमने सेलेक्ट की 4, ऑन को डिसेबल कर दिया, वी लाइन दे दी 40, ये ऑलरेडी हमारी कॉन्फ़िगर्ड है और ये डन हो गया।